विनोद कुमार जावाला, जो निशान टॉर्च, लोकसभा जोन लड़ रहा जावाला, टी स्टॉल ते रोज बजते ने टोल, जा बनौंदा करता है चोन प्रचार, बढ़ना चाहता है शहर दा एमपी, लोकसभा चोना च सवार एक जावाला अपनी किस्मत अजमा रहा है, जो पिछले 25 साल तो टी स्टॉल लगा रहा है ते चाह बेच रहा है। विनोद आजाद उम्मीदवार दे तौर ते चोना च खड़ा है, जो कि शहर दा एमपी बनना चाहता है। विनोद दा मनना है कि जे चाह बेचण वाला देश चला सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, ता की ओ शहर दा एमपी भी नहीं बन सकता। इसे जज्बे दे नाल विनोद टी स्टॉल ते ही चाह बेचता वेचता चोन प्रचार करता है। रोज ही टी स्टॉल ते ढोल वजदे ने, गाहकां नूं चाह दे के विनोद दुकान दुकान जाके वोट पाउण दी अपील करता है। दिने टी स्टॉल ते चाह बेचता है ते शाम नूं टी स्टॉल बंद करके कलोनी कलोनी जाके चोन प्रचार करता, वोटां मंगता है। विनोद दा कहना है कि ओह लोकां दी सेवा करना चाहुंदा है, जो कि ओह हुण भी कर रिहा है। जेकर किसे कोल चाह दे पैसे नहीं हुंदे तां ओह मुफ्त विच चाह भी पिउंदा है। विनोद ने अपने चोन निशान दे झंडे बना के अपने टी स्टॉल ते लगाए ने। दस दिए कि विनोद चंडीगढ़ दे सैक्टर 24 दे विच टी स्टॉल चलाउंदा है ते चंडीगढ़ तो ही लोकसभा चोन लड़ रहा है, ओह भी आजाद उम्मीदवार दे तौर ते। विनोद दा मुकाबला कांग्रेस दे मनीष तिवाड़ी ते भाजपा दे संजय टंडन दे नाल है। फिर भी इस विनोद दा हौसला अति उसकी हिम्मत बरकरार है। मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि मैं अपने आप नहीं खड़ा हूँ, लोगों ने मुझे खड़ा किया सर जी। तो क्या आप इससे पहले करते थे और कितने साल से आप चाय बना रहे हैं चंडीगढ़? चाय बनाते मुझे 25 साल हो गए यहाँ पे सर जी। पहले मैं कभी सोचा नहीं था, लेकिन इस बार मैं 8-10 महीने से अपने दिल में बैठा लिया कि इस बार इलेक्शन जो है लड़ूंगा। तो मेरे पास जो कोई भी आता था मैं सबको बताता रहता कि भाई मैं इस बारी 2024 का इलेक्शन जो है लड़ूंगा। फिर अब आ गया, फार्म भर दिया, सब कुछ हो गया, अब मेरे को निशान मिला है टॉर्च का। तो ये टॉर्च जो है, मैं सभी भाई को बोलता हूँ कि ये टॉर्च का बटन दबाएं और विनोद चाय वाले को विजयी बनाएं। तो आपके मन में कैसे आया कि एक चाय वाला भी चुनाव पे लड़ सकता है? जब चाय वाला देश का प्रधानमंत्री है तो एक छोटा चाय वाला क्यों शहर का एमपी नहीं बन सकता है? क्या आपके मुद्दे जो हैं इस बार रहने वाले हैं? इस बारी बहुत कुछ करने को सोचा हूँ। पहले तो मैं चाहूँगा जितनी भी महिलाएं हैं हमारे शहर में, इनका किराया ना लगे, फ्री में बसों में सफ़र करें, जहाँ भी चंडीगढ़ लोकल जाना चाहें जा सकती हैं। और जो दूसरी ओर की बात करें, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं संजय टंडन, तो उनकी जो पीछे एमपी थी किरण खेर, वो यहाँ से उम्मीदवार थी, तो क्या उन्होंने चंडीगढ़ के लिए कुछ किया नहीं जो इस बार आपको मैदान पर उतरना पड़ा? यार साहब, हम कहते हैं मैं 24 सेक्टर में 5-10 साल तो उन्हीं के रहा था, पूरा कभी इनके दर्शन ही ना हुए। पूरी मार्केट में कभी भी मैंने उनको सपने में भी नहीं देखा, तो वैसे तो क्या देखना भगवान। तो अगर हमको बनाएंगे तो हमने हर सेक्टर में हर दूसरे तीसरे जाके चेक करना है कौन सा काम रुका है कौन सा नहीं हो रहा है। हम बिल्कुल जनता के साथ ही रहेंगे। और किस तरह से आप कैंपेनिंग जो अपनी शुरू करते हैं सुबह? सुबह साहब जब 6 बजे उठते हैं, नहाते धोते हैं, मत्था टेकते भगवान का, फिर जहाँ भी कहीं हाजिरी लगती है शहर में लेबर वाले गरीब बंदों की, मैं वहाँ पे एक बारी सबके पास हाथ जोड़ के 8-9 बजे तक वोट मांगता हूँ। उसके बाद आके चाय दुकान खोलता हूँ, जो यहाँ आता है यहाँ भी सबसे वोट मांगता रहता हूँ। बाकी मैं 5 बजे शाम को फिर बंद कर जहाँ भी शहर में हमारे बिल्डर वाले भाई बैठे हैं या कोई कॉलोनी बुलाया है वहाँ तक लोगों तक जाता हूँ सर। तो दूसरी ओर आप यहाँ पर चाय भी बना रहे हो, चाय के साथ साथ अपना प्रचार भी कर रहे हैं? जी सर। तो किस तरह से आप सवेरे से लेके यहाँ पर चाय भी बनाते हैं और दुकान कब खोलते हैं, अब टाइम मिल रहा है आपको? हाँ, टाइम जो भी मिलता है हमको 2-4 घंटा, क्योंकि इतने पैसे तो हमारे पास है नहीं कि ये इतने सारे आदमी हैं सबको चाय पिलाता रहूँगा। अगर मैं खुद की दुकान खोलूँगा तो चाहे चाय पिए चाहे कुछ करें, हमारे लिए बहुत आसान रहेगा सर। और
दूसरी ओर की अगर हम बात करें जो यहाँ पर जो मनीष तिवारी हैं और संजय टंडन है, वो काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं, तो आप कितने पढ़े लिखे हो वो थोड़ा हमारी बताइए हमारे जनता। मैं सर 5 तक पढ़ा हुआ हूँ, 5 के आगे नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ अगर जब मैं जीतूँगा तो पढ़ा 100 पढ़ा ना एक प्रताप गढ़ा, 100 के बराबर हो जाऊँगा सर, ये आप समझ लीजिए। और इस बार के जो मुद्दे हैं जो लोगों के बीच आप जाते हो, तो क्या मेन मुद्दा लेकर आप चल रहे हो और किस लिए आपको वोट करें लोग? लोग मुझे इसलिए वोट करें क्योंकि मैं चंडीगढ़ जितने भी ठेकेदारी सबको इसको ख़त्म करना चाहता हूं, जितने भी एम्प्लॉयमेंट में जितने भी डिपार्टमेंट में हैं सबको एक बारी सरकार से गुजारिश करूंगा इनको पक्की नौकरी दी जाए, ताकि क्योंकि 18,000 रुपये पाते हैं तनख्वाह, इनके बच्चे कुछ ना पढ़ रहे हैं ना कुछ रहे हैं, बेकार घूम रहे हैं सर, ये 10,000 किराया देते 8,000 रुपये में क्या इनके बच्चे खाएंगे कि पढ़ेंगे कि अपने आप रोटी खाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कम से कम इनकी 50,000 रुपये तनख्वाह हो ताकि गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके और आराम से रह सके। तो ये थे विनोद कुमार और इनके यहाँ पर जो है कुछ समर्थक भी जो हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये सुबह से लेकर जो है शाम तक जो ऐसे कैंपेनिंग करते हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं कि ये बताइए कि आपका क्या नाम है और क्या विनोद कुमार को के मुद्दे जो हैं वो सही हैं शहर? बिल्कुल, मेरा नाम रवि है जी, बहुत अच्छे मुद्दे हैं जी, जैसे अपना विधवा के लिए पेंशन और पानी फ्री होना चाहिए, सफ़र औरतों लेडियां वास्ता फ्री होना चाहिए, और भी चोन मैनीफेस्टो में लिखे हुए बहुत सारे आपको दे देंगे हम, अच्छे इंसान ने जी, बढ़िया ईमानदार ने, जरूर लोगों को मौका देना चाहिए जी। और शहर पे जब विनोद कुमार जी जाते हैं तो क्या आप उनके साथ प्रचार के लिए जा रहे हो? बिल्कुल जी, जाते हैं जी। और विनोद कुमार ऐसी क्या खासियत है जो इनके लोग वोट दें? बहुत अच्छे बंदे हैं जी, अपना ठीक है, अपना गरीब आदमी की तो क्या यहाँ पर फ्री में चाय भी पिलाते हैं? पिलाते हैं जी, बिल्कुल पिलाते हैं, हम फ्री में चाय पीते हैं। अच्छा। मांगते नहीं पैसे, अच्छा। कभी हुआ तो दे देते हैं, कभी नहीं भी देते, ऐसी बात है। तो आपका क्या नाम है? मुन्नर। अच्छा, ये बताइए कि विनोद कुमार की जो वोट लोग क्यों करेंगे? वोट इसलिए करेंगे कि देखो जी, गरीब बंदा है, सबके बारे में सोचता है, सबके साथ रहता है, सबका उठता बैठता है, हर एक बंदे के साथ मिलना जुलना इसका हैगा, कोई ऐसी बात नहीं है किसी का कोई गलत बोलता है, किसी के खिलाफ गलत बोलता है, ऐसी कोई इसके अंदर वो नहीं है, अपनी विचारधारा से साथ अपने आप से लड़ाई लड़ रहा है, अपने आप से मैं सोचता हूँ ये आगे बढ़े, हम इसके साथ खड़े हैं, जितना भी हमसे कोई हो सकेगा हम इससे बराबर में खड़े होने की पूरी क्षमता रखते हैं।